हाय साहब, कितना खूबसूरत व्यू दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अगर ये ग्रीन की जगह इमेजिन करो, ये वाइट होता, पूरा बर्फ से ढका होता ना। ओहो, इतना खूबसूरत लग रहा है। वो देख रहे हो सामने, क्या अद्भुत नजारा है, क्या नेचुरल चीज है यार। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मित्सुओ ग्रीस। इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत है कि मेरा सच में ना यहाँ से आज जाने का मन नहीं कर रहा। और जब मैं जाने का मन नहीं बोल रहा, इसका मतलब मुझे आज यहाँ से निकलना है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको बताना बनता है कि मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं 24 कंट्रीज, 120 से 140 दिन और लगभग 25,000 से 30,000 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवल करने वाला हूँ, जो मैंने इंडिया से टर्की बाय एयर भेजी थी। अभी हम मित्सुओ में हैं। यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है, वो होने वाला मिटियोरा। बस हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, बाइक पे सामान नीचे लोड हो रहा है और यहाँ से निकलते हैं आज अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो होने वाला है मिटियोरा। सो अभी टाइम हो रहा है 11:50 हो गए। हम बहुत ज़्यादा आज लेट हो गए और लेट नहीं भी हुए हैं, क्योंकि आज जो हमारा डेस्टिनेशन है वो खाली है गूगल मैप्स के हिसाब से 1.25 घंटा, लेकिन हमें 1.25 घंटा नहीं लगेगा, हमें लगेगा एटलीस्ट 2.5 घंटा, क्योंकि गूगल आंटी थोड़ा सा ज़्यादा बता रही है यहाँ पर कि जल्दी पहुँच जाओगे। चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत आज की भी डेस्टिनेशन पर पहुँचा देना। पीटर बाय, होप टू सी यू सून। यस, वी विल सी ईच अदर एंड बी केयरफुल। बहुत खूबसूरत जगह है यार, ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर तो मैं 2 दिन स्टे करता, लेकिन ऐसे अगर 2-2 दिन अगर मैं स्टे करने लग गया ना, तो मैं पहुँच गया 1 साल में भी घर। तो ये जगह तो मैंने वैसे भी पिछले व्लॉग में सारी दिखा दी है, पूरी ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो अब जो है मित्सुओ के बारे में बात नहीं करेंगे। मिटियोरा भी है ना, जो बहुत खूबसूरत जगह है। मैंने काफ़ी लोगों से मतलब अभी भी पूछा, और जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, तब भी मिटियोरा के बारे में कह रहे थे कि अच्छी जगह है, विजिट करना बनता है। हमारा प्लान था कि हम बहुत जल्दी सुबह निकलेंगे, आराम से वहाँ होटल ले लेंगे, लेकिन चेक इन टाइम जो हमें दिखा रहा था, वो दिखा रहा था 12 बजे के बाद। तो फिर हम करते करते अब 12 बजे निकल रहे हैं। सही है यार, अच्छा लग रहा है। और रोड जो इतनी प्यारी सी बनी होती है ना, ऐसे पहाड़ों के बीच में। मैं तो हूँ माउंटेन लवर, मुझे तो ये देखते ही ना एकदम हो जाता है कि मैं किस दुनिया में आ गया। मैं किसी भी जगह की क्यों ना पहाड़ देख लूँ, चाहे वो आपको लगेंगे नॉर्मल पहाड़ है, लेकिन हर दिन जैसे मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, थोड़ी आगे चलता हूँ, तो कहता हूँ वाओ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। और अभी तो ये पहली कंट्री है, आगे जैसे जैसे जाऊँगा, और अगर मैं हर वीडियो में बोलूँगा ना वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो ये मत सोचना मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ये जस्ट मैं अपनी इनर फीलिंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मेरे एकदम रैंडमली मुंह से निकल जाता है देख के। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो अगर मैं इन रोड्स की बात बोलूँ ना, तो पिछले 2 साल में मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, इतनी प्रैक्टिस है मुझे इस टाइप की रोड्स के ऊपर बाइक चलाने में। अगर आप मुझे पिछले 2 साल से फॉलो कर रहे हो ना, 2021 और 2022, तब आपको पता ही है कि इस टाइप की रोड्स पे मैंने नॉर्थ इंडिया में कितना मतलब कितना एक्सट्रीम अपने आप को फुल प्रैक्टिस कर रखी है मैंने, कि कैसे बाइक चलानी है, कहाँ ब्रेकिंग होनी चाहिए, कहाँ एक्सेलरेशन होनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए ना अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मेरे को एकदम भी माइंड में ऐसा नहीं है कि बहुत कर्व्स आ रहे हैं, मुझे ऐसे चलानी चाहिए वैसे चलानी चाहिए। मैं अभी अपने आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट हाँ मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ऐसा फील भी नहीं हो रहा
कि मैं दूसरी कंट्री में हूँ, दूसरी साइड पे मैं बाइक चला रहा हूँ, कई बार ऐसे हाथ भी छोड़ देता हूँ जो यूजुअली नहीं छोड़ना चाहिए, मेरे को थोड़ी सी हैबिट हो गई है ऐसे तो। लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो चुका हूँ इस टाइप की रोड पे बाइक चलाने में ना, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, माइंड में एक भी चीज़ ऐसा नहीं आ रही, लेकिन व्यू अल्टीमेट आ रहे हैं भाई जो भी बोलो। अच्छा मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ यार, कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर मुझे बताना, इट्स अ रिक्वेस्ट, हमारे पास ड्रोन है, आप चाहते हो इस टाइप की रोड्स हो कुछ हो तो मैं उसके ड्रोन शॉट्स लूँ अगर आप चाहते हो, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए अंकित भाई ज़रूरी नहीं है कि ड्रोन शॉट डालना है, अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें दिखा भी रहे हो तो हमें वो रॉ फील चाहिए। इसके लिए ना मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, मेरा बिल्कुल फोकस नहीं है कि मैं ड्रोन उड़ाऊँ कुछ ऐसे इन रोड्स को कवर करूँ, बस इतना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना करूँ या ना करूँ, या फिर किसी लोकेशन पर पहुँच जाऊँ उस जगह का ड्रोन शॉट आपको दिखा दूँ, मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगा यार, चाहे आज पढ़ूँ चाहे कल पढ़ूँ चाहे परसों पढ़ूँ, पर हो सके तो प्लीज़ इस बारे में रिप्लाई ज़रूर करना, ड्रोन शॉट ऐसे ऐसी जगहों के चाहिए नहीं चाहिए। रियल और फोटोज में ह्यूज डिफरेंस वहाँ, वो ना बड़े बड़े जो पहाड़ है ना वैसे, उसके नीचे ना रहने के लिए या फिर पता नहीं घर बने हुए हैं या फिर होटल्स बने हुए हैं उस एरिया में शायद वही सारे होटल्स वाले एरिया है। ओ भाई साहब क्या गजब पहाड़ हैं ये, ऐसे पहाड़ नहीं देखे मैंने कभी भी। क्या धमाकेदार व्यू है, अमेजिंग, कैसे फॉर्मेशन हुआ भाई इस पहाड़ों का, जगह जगह पर बहुत भारी भारी मोटे मोटे से गड्ढे थे हैं, और कलर सारे एक जैसे हैं घर के, वही क्रीम कलर या वाइट कलर के घर हैं, जो ऊपर से है वो पूरे ऑरेंज कलर के हैं। अभी हमने यहाँ पर रूम ले लिया है, और जब हम ऑनलाइन देख रहे थे ना तो ऑनलाइन हमें थोड़ा महंगा मिल रहा था, और हमें पता था कि हम जाएंगे ऑफलाइन थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, तो एक प्रॉपर्टी मिली है, पार्किंग भी साथ में मिल गई, हमें मेन प्रायोरिटी पार्किंग होती है यार, बाइक से ना सेफ खड़ी रहनी चाहिए, पार्किंग के साथ वाईफाई हमारी मेन प्रायोरिटी होती है, रूम भी यहीं पर ही है, एंड प्राइस भी, अभी पहले रूम देख लूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। कैशो हेलो हैशो एक ही बहुत अच्छा छोटा सा पर क्यूट सा हमें यहाँ रूम मिल गया। सो जैसा एक्सपेक्ट किया था ना मिटियोरा को भाई, उससे ज्यादा खूबसूरत था व्यू मेरी आंखों के सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आती बारी मैंने भी थोड़ा गोप्रो से आपको मैंने दिखाया, लेकिन हमारा ये प्लान था कि हम यहाँ पर लगभग आ जाएंगे 2 बजे, और उसके बाद हम ये जो मिटियोरा के पूरे माउंटेन्स है ना इसको देखने जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम हमें यहाँ के पता लगा कि ये जो पूरा ट्रैक है ना ये लगभग है 4 किलोमीटर का, और पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, बट इतना श्योर है कि यहाँ पर 3 बजे जो है ऊपर मोनेस्ट्रीज हैं वो वाली हो जाती है बंद, तो कोई पॉइंट नहीं है, हम 2 बजे तो पहुँचे और 3 बजे अगर बंद हो जाए तो 2 घंटे तो जाने में लगेंगे, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम जिस प्रॉपर्टी में हमने यहाँ रूम लिया ना यहीं पर ही आज स्टे करते हैं, और कल हम जाएंगे सुबह सुबह 7:30-8 बजे हम निकल जाएंगे, खुलता वैसे 9 बजे है, तो हम सुबह सुबह जाएंगे, जिसकी कोई फ़ीस भी बता रहे हैं लगभग $3 है, और सॉरी 3 यूरोज़ है, मतलब 300 रुपये उसकी फ़ीस है, लेकिन हम जाएंगे 100%, क्योंकि ऐसी यूनिक जगह ना मुझे देखनी ही देखनी हर हाल में, तो जस्ट अभी हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी सी धूप है और थोड़ी सी छाव हो जाए उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा पैदल इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, साथ में एक बार मैं आपको अपने जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर बुक करी है ना उसका भी एक बार आपको टूर दे देता हूँ। तो ये है हमारा रूम, छोटा सा रूम है लेकिन नीट एंड क्लीन रूम है, सबसे अच्छी बात है यहाँ पर एसी है, वाईफाई भी है इधर, लेकिन वाईफाई का हर जगह प्रॉब्लम यही है कि कनेक्टिविटी अपलोडिंग की नहीं है, लेकिन हाँ
डाउनलोडिंग की है हमारा काम, लेकिन अपलोडिंग का है। फोटोज और रियलिटी में देखना, जमीन और आसमान का फर्क है। रियल में जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और कहते हैं कि बहुत भीड़ भी लग जाती है, ट्रैफिक भी जाम हो जाता है जैसे हम बाइक या कार पे जा रहे हैं। तो इसीलिए अभी टाइम हुआ है सुबह के 8:20 और हम निकल गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि सुबह सुबह जाओगे तो ट्रैफिक थोड़ा सा कम मिलेगा, ऑब्वियस रीजंस हैं वो तो। और 9 खुलता है ऊपर मोनेस्ट्रीज, तो हम 8:30 या फिर 8:45 पहुँच जाएंगे, फिर थोड़ा वॉक करेंगे, तो जो भी होगा देखेंगे। ओ भाई साहब, वो देख रहे हो पहाड़ के ऊपर कैसे मोनेस्ट्री बनी हुई है, दिस इज टोटली अनबिलीवेबल भाई। नीचे से तो दिख भी नहीं रही थी ये, वो देखो। यही था हमारा अर्थ का लेवल है ना, बिल्कुल। और ये क्रेटर बना है पानी जाने का, ये देख रहे हो, ये देखो पूरा कैसे, ये देखो ये फॉर्मेशन देख रहे हो, ये पानी ही बना सकता है, ये देख रहे हो पेड़ों के बीच में भाई साहब। मोनेस्ट्री देखो, एक वो देखो, एक वहां दिख रही है, 24 है भाई साहब। बनाई कैसी होंगी ऊपर, बनाई ऐसे होंगी कि हाँ। अर्थ का लेवल ही वो था, नहीं बाद में बनी है। लेवल के बाद कैसे, तो ये तो खत्म हो जाती मोनेस्ट्री, बाद में बनी है मोनेस्ट्री, तो ये तो सब खत्म हो जाता, बह जाता। गजब यार, ऐसी ना 25 मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी जो डिस्कवर हुई थी खाली। मैं डिस्कवर की बात कर रहा हूँ, अंदर कहीं पहाड़ों में और हो तो मुझे आइडिया नहीं है, ना लोगों को ज्यादा आइडिया है, बट एक यहाँ पर दिख रही है मोनेस्ट्री और 2-3 मुझे उस जगह पर दिख रही है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखो, एक यहाँ पर दिख रही है, एक इसके साथ में इस वाले टॉप पे दिख रही है यहाँ पर। और पहले कहते हैं कि अर्थ की जो हाइट थी ना वो इतनी ज़्यादा हाइट हुआ करती थी, इसकी मैं आपसे बात कर रहा था। और जब बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आए थे तो ये पूरा एरिया रिवर बेड के अंदर हुआ करता था और पानी यहाँ से सारा बह गया, तो पानी ने और हवा ने पूरा इसका इस टाइप का फॉर्मेशन कर दिया। और मॉन्क्स का यही बिलीव था कि हम मोनेस्ट्री ऊपर बनाएंगे तो हम अपने गॉड के बिल्कुल करीब रहेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कुदरत का करिश्मा देखने के लिए और अपनी बाइक जो है वो पीछे पार्क कर दिया। जैसे मैंने बताया था ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो हर 5 में एक बड़ी सी बस आ रही है जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट हैं, तो एक एक करके देखते हैं मोनेस्ट्री और मज़ा आने वाला डेफिनेटली। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं और यार गजब की लोकेशन है, टोटली अनबिलीवेबल। कहते हैं कि 60 लाख साल पहले ना इन पहाड़ों का फॉर्मेशन हुआ था। इनफैक्ट कहते हैं कि ये जो ऊपर टॉप है ना पहाड़ों का,
यहाँ तक पहले अर्थ हुआ करता था और यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स हुए थे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आई से, और ये पूरा ना समंदर के अंदर हुआ करता था पहले एरिया, और अर्थक्वेक आने की वजह से ये जो सारा है डिस्टर्ब हो गया था एरिया, और जितना भी पानी यहाँ का था ना सारा बह के वो नीचे चला गया था, जिस वजह से ये पूरा फॉर्मेशन हो गया था। और ये जो पूरा एरिया हुआ करता था ना ये रिवर बेड हुआ करता था, और एक्सट्रीम पानी के दबाव की वजह से और हवा की वजह से इनके ऊपर जो आपको लाइंस दिख रही है या फिर गड्ढे दिख रहे हैं ना, मेन रीज़न यही है कि ऐसा फॉर्मेशन हुआ था, वो भी 60 लाख साल पहले, ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं। और यहाँ पर टूरिस्ट भी यही सेम चीज़ बता रहे हैं, और यहाँ पर लगभग 25 मोनेस्ट्रीज हैं, मतलब 25 मोनेस्ट्रीज पहले डिस्कवर हुई थी और अब के टाइम पे खाली 6 ही एक्टिव है, क्योंकि इतने सदियों साल पहले जो डिस्कवर हुआ था ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें वो फिर डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं, क्योंकि लोकेशन भी ऐसी है, इतनी हाइट के ऊपर है, हवा इतनी तेज़ यहाँ पर चलती है, तो अभी एज ऑफ नाउ खाली 6 ही एक्टिव है। चर्च की बात बोलूँ तो यहाँ पर चर्च है, मैं अभी अंदर भी गया था, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन अंदर चर्च में ज़्यादा भीड़ है कंपेयर टू यहाँ पर आपको जो लोग दिख रहे हैं। छोटा सा ही एरिया चर्च का, बहुत बड़ा नहीं है, बट अंदर ना जीसस क्राइस्ट के बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, फोटोज़ लगी हुई हैं और सब प्रे कर रहे हैं। अब बहुत सारे यार चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, कपड़े भी लगे हुए हैं, उनका क्रॉस का साइन भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो मुझे तो ज़्यादा उसकी नॉलेज नहीं थी और ना मुझे उन लोगों की लैंग्वेज समझ आ रही है, जैसे कोई टूर गाइड्स होते हैं ना तो वो चीज़ें जो बता रहे थे वो मुझे समझ तो आ नहीं रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा होली प्लेस है यहाँ पर, और जो भी आता है फुल रिगार्ड के साथ आता है, और जब भी ऐसी लोकेशन पे हमें भी आना चाहिए तो हमें लोकल्स का जो उनके ट्रेडिशंस हैं या फिर उनकी जो बिलीव्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, चाहे आप कोई भी ले लो, यूरोपियंस को ले लो, यहाँ पर चाइनीज़ बहुत दिखे मुझे, जापानीज़ बहुत दिखे मुझे, शायद 3-4 इंडियंस भी दिखे थे, तो यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है, इस वजह से लोगों का 100% आना बनता है। अभी मैं टॉप से ना नीचे का व्यू देख रहा था तब रियलाइज़ हुआ हम कितनी ऊँचाई पर हैं यार, और अभी तो हम काफ़ी कम ऊंचाई पे हैं। और भी जो डिफरेंट डिफरेंट मोनेस्ट्रीज है ना वहाँ पर जाने का ट्रैक से रास्ता है, और लगभग कहते हैं 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं वो ट्रैक के ऊपर जाने में, और कई मोनेस्ट्रीज़ में ना एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए ना केबल कार भी है, तो केबल कार तो आई एम नॉट श्योर मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फोबिया हाइट का, तो अभी देखते हैं अगर हम दूसरी मोनेस्ट्री में भी जा सकें। पर वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे यहाँ पर टूरिस्ट दिखे, क्योंकि मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस पे गया नहीं हूँ, बट जब जाता हूँ ना तो मुझे बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी, बट अनबिलीवेबल कैसे ये 11th सेंचुरी में मॉन्क्स ने मोनेस्ट्रीज को यहाँ पर बनाया, अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल चीज़ है ना, वही है जितना दुनिया घूमोगे उतना आपको हैरानी होगी, उतना आपको समझ आएगा कि ये दुनिया ना कहाँ है। तो अभी हम आ चुके हैं एक और मोनेस्ट्री में, और मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना ब्लॉगर्स मीट होता है या फिर ब्लॉगर्स का इवेंट होता है, तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ना मुझे जो दिख रहे हैं तो उनके हाथ में कैमराज पकड़े हुए हैं या फिर वीडियोज वो शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ इस टाइप की शॉप्स भी हैं छोटा छोटा सामान यहाँ का परचेज करने के लिए। ये मिट्योरक है, अगर आपको याद होगा ना तो मैंने मिट्सोवा का भी ऐसा दिखाया था जब मैं मिट्सोवा गया था, तो ये है मिट्योरा का। मैम हाउ मच फॉर दिस? 10 यूरोस। यस, वेरी नाइस। हेलो लाइट, ओके 10 यूरोस। सो देखो ये है 10 यूरोस का है, और इसके नीचे लाइट का बटन दे रखा है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी होगा, नहीं ये इतना हल्का है ना कि मेरी बाइक की चाबी से भी हल्का है। आपको मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कितना अच्छा और कितना सुंदर लग रहा है वाला, और अगर ये पड़ा हो तो ऐसा लगेगा कोई पत्थर की चीज़ है, बट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है Is this for good luck? Yes, in a philosophy in school. In school philosophy. Oh, okay. Yes. तो यहाँ के कल्चर के हिसाब से कुछ है, सच बताऊँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर इन फ्रॉम हाँ इंडिया 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 वी केम ऑन अ मोटर बाइक मोटो 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 मोटो
अभी हम मोनेस्ट्री में जाने वाले हैं, अंदर देखते हैं कि यहाँ मोनेस्ट्री में क्या है एंड कितने चार्जेस लगते हैं मोनेस्ट्री में। बट ये मोनेस्ट्री ना उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है फेमस है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बसेज आ रखी हैं कंपेरेटिव टू अभी हम जिस मोनेस्ट्री में गए थे। तो चलो आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ अपने साथ। बस एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर कि जो पहले हम मोनेस्ट्री गए थे, जो पहली उसका रास्ता था ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, और अभी ये वाला जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर है स्टेयर्स, आई गेस, हाँ इसके अंदर स्टेयर्स हैं, दिख रहा है आपको? थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो यहाँ से जा रही है, ये स्टेयर्स जा रही हैं और ये मोनेस्ट्री पे जाने का रास्ता है। अभी मैंने इसकी बैक साइड से फोटोज निकाली हैं, थोड़ी सी वीडियोज भी निकाली हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक साइड से ना ये ऐसा लगता है, धूप पड़ रही है, लेकिन अगर शाम का समय होता ना तो आपको ये जो व्यू है ना सामने का बहुत अलग दिखता। बट जो भी बोलो, दिस प्लेस इज इनक्रेडिबल। तो ये जो है ना, ये है मोनेस्ट्री में जाने का रास्ता और यहाँ से पूरी स्टेयर्स बनी हुई है। Huh? No, friends. We are friends. That's nice. Good luck on your journey. Thank you so much. Thank you. We're gonna have as much in time. Yeah. Thank you. Good luck. Thank you so much. Bye. बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब हम बोलते हैं ना कि हम लोग इंडिया से आए हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। देखो रूम की लाइट बहुत कम है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको टाइम बताओ तो इस समय बजे हैं रात के 11, और अभी हमारे रूम का हाल देखो, पूरा बिखार दिया रूम। और ये इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि कल हम निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अगर आज के दिन की बात बोलूँ तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, बहुत यूनिक मैंने चीज़ें देखी, खासकर वो जो फॉर्मेशन है ना पहाड़ों का और वो जो मोनेस्ट्रीज है, अनबिलीवेबल। मुझे नहीं पता ये अनबिलीवेबल वर्ड मैंने कितनी बार बोला होगा व्लॉग में, क्योंकि जो दिल में है ना वो डायरेक्ट मैं व्लॉग में बोल देता हूँ। और बस यही रखते हैं आज के व्लॉग में। किसी भी रीज़न से अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा ना तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यही कोशिश कर रहा हूँ मैं राइडिंग के साथ ना, मैं चीज़ें एक्सप्लोर भी करता रहूँ, ताकि जो चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ ना मैं अपने थ्रू आप लोगों को भी दिखाता रहूँ। तो विद दैट सेड, अब मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।